अब मैं फुल्ली प्रिपेयर हो चुका हूँ और मैंने पूरा जैकेट वैकेट पहन लिया है और अब जा रहा हूँ मैं गजेंद्र से पास, वहाँ आपसे उसको लूँगा। फिर हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो कश्मीर गेट है, तो वहाँ हम सब मिलेंगे, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो और अब मैं जस्ट निकल रहा हूँ, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। हाय गजेंद्र, कैसे राइड कैसी होने वाली है हमारी? गजब होगी ना। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जर्नी को आगे तक। अब एक ही बाइक पे हम दोनों एक ही साथ रहेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये मेरी मतलब काफ़ी यादगार लम्हा होगा, क्योंकि मैं अपने सारे जो जितने भी कलीग हैं वो सारे मेरे बेहद करीब हैं बाय हार्ट, तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं। ये आगे भाई तीनों भाई अपनी, ये रहा तनवीर भाई, ये रहा शाइक भाई, और ये आजिम भाई, और वो रहा गजेंद्र, मेरी दो स्टैंडर्ड, और ये क्लासिक। तैयारी में आए हो? सभी के आने के बाद अब हमने जो इतने भी सामान है वो गाड़ी पे सही से बांध दिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। गाड़ी पे बांधने के बाद फिर हम सब एक साथ एक के पीछे एक निकल पड़े राइड पे, और अभी देख रहे हैं आप कितनी मुश्किलों से हमने गाड़ी पे रस्सी बांधी थी, सामान बांधे थे, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर कभी भी आप राइड पे जाते हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। टूल किट, रस्सी, ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, तो इनके साथ कभी भी जाते हैं तो इसको ले जाना ना भूलें, ध्यान रहे बिल्कुल भी, ये चीज़ें कभी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद बहुत ही मेहनत लगा इन सबको ताकि बैलेंस ना बिगाड़े। तो ये सब बांधने के बाद फिर छोटी सी गपशप के बाद हम निकल पड़े अपने शानदार राइड पे, और फाइनली रस्सी बंद अब हम मिल चुके हैं और अब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन होगा वो सीधा चंडीगढ़ होगा, हम चंडीगढ़ ही रुकेंगे सीधा और वहां से जर्नी को स्टार्ट करेंगे फिर से। गाइज, हमने चंडीगढ़ में स्टे नहीं किया क्योंकि उसका एक रीज़न था, अगर हम स्टे करते तो शायद लेट हो जाते मनाली के लिए, क्योंकि हम मनाली से भी आगे सोलांग वैली में चाहते थे रुकना, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि लेट हो, तो हम नॉन स्टॉप राइड के बाद हम सीधा रूपनगर से एंट्री कर रहे हैं पहाड़ों पे, ठीक है। और सामने आप देख सकते कितने बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा एरिया जो है पहाड़ी ही एरिया है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, और ये हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। 6 घंटे की नॉन स्टॉप राइड के बाद हमने पंजाब का बॉर्डर छोड़ा, और जो गाड़ी की स्पीड थी वो बेहद ज़्यादा थी, और 100+ ही गाड़ी चल रही थी, और आप देख सकते हैं शाम का व्यू कितना शानदार है यहाँ से दिखाई दे रहा है। जो हिमाचल में एंटर करने के बाद हमने थोड़ा गाड़ी को साइड लगा के थोड़ा आराम किया, क्योंकि हम नॉन स्टॉप गाड़ी चला के ला रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी हमें, तो आराम लिया हमने। और उसके बाद शाम हो चुकी थी पूरी, और शाम आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा ही होने वाला था, और ये
अंधेरा होते होते जो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। गाड़ी में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई हमारे एक साथी के, तो वो काफ़ी उसने हमें परेशान किया और काफ़ी हमारा टाइम खाया, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हमने ठीक करके टाइम लगा के हमने जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर दिया। और जर्नी स्टार्ट होते ही जो नज़ारा था रात के टाइम का पहाड़ों का, आप देख सकते कितना एकदम अद्भुत नज़ारा, एकदम लाइटिंग से एकदम जगमग रहे थे पूरे पहाड़, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ठंड का तो एक लेवल ही था, दिल्ली में जो ठंड थी वो यहाँ के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, और हवाएं जो चल रही थी वो तो और ज़्यादा नुकसान कर रही थी हमें, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था रात को ड्राइव करने में। और लेट तो हम हो ही चुके थे, लेकिन हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पहुँचना, और रास्ते एकदम गीले थे और बारिश हो रही थी, तो उस वजह से उनमें हमें बहुत तकलीफ थी, लेकिन फिर भी हम अपनी राइड को फिर से स्टार्ट कर दिया। हमने कहीं पर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं किया, ज़्यादा आराम नहीं लिया ताकि हम लेट ना हो जाए। ठंड ज़्यादा होने के कारण हमने बीच रास्ते से थोड़ा सा हट के साइड में हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, और उसके बाद जो हमारे पास सिलेंडर था उससे अपने आप को थोड़ा हाथ सेका। आप देख सकते हैं बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, और बारिश हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और जो बाइक चला रहे थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी ऐसे में। और मैं तो बहुत ही अपने हैवी ग्लव्स के साथ ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने साइड में के हमने हाथ सेका थोड़ा, उसके बाद फिर से जर्नी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन जर्नी स्टार्ट होने के बाद हमें पता लग गया था कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, और पहाड़ों पे कई ऐसे रास्ते थे जहाँ पे 10 मीटर आगे क्या है वो तक नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा था आप समझ सकते हैं। तो अभी हम कुल्लू से 150 किलोमीटर दूर थे रात होते होते, क्योंकि पहाड़ों पर ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और बारिश ऊपर से, तो हमें थोड़ा सा रुक रुक के हमें ड्राइव करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आप भीग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शरीर के लिए हार्मफुल होगा। तो ये जर्नी फिर से स्टार्ट करी हमने, और इसके बाद हमारे बैटरी वगैरह सब लो गए। खैर रात के 11 बजे हम मनाली पहुंच गए थे, उसके बाद हमने रूम लिया, रूम लेने के बाद फिर खाना सबसे पहले ऑर्डर करा, उसके बाद हमारा जो फ़ोन वो था सब डिस्चार्ज था, उसको चार्ज पर लगाने की बारी आ गई है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा मनाली है कैसा एक्चुअल में।